अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताएंगे बीएससी नर्सिंग की, जैसा कि आपकी सेकंड फॉर्म लिस्ट आ गई है और बीएससी पैरामेडिकल की भी सेकंड फॉर्म लिस्ट आ गई है, तो इसमें कितनी वेटिंग इसमें क्लियर हुई है। सबसे पहले अगर आपको सेकंड फॉर्म लिस्ट देखनी है तो एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पर आएंगे। एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में जाना होगा। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में ही आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के सामने सेकंड फॉर्म लिस्ट देखने को मिल जाएगी और बीएससी पैरामेडिकल के सामने सेकंड फॉर्म लिस्ट इसकी देखने को मिल जाएगी। तो बीएससी नर्सिंग के ओपन करेंगे तो बीएससी नर्सिंग में आपकी यहाँ पे कुछ जनरल में भी सिलेक्टेड हुए हैं स्टूडेंट्स। अगर देखा जाए तो टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका जनरल में हुआ है, और सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स भी हैं जिनका अराउंड 7 स्टूडेंट्स हैं जिनका सेल्फ फाइनेंस में हुआ है सेकेंड फॉर्म लिस्ट में। यानी टोटल यहाँ पर 11 सिलेक्शंस हुए, 11 और 12 सिलेक्शंस हुए सेकंड फॉर्म लिस्ट में। उसके बाद एक बच्चे का अपग्रेड भी हुआ है फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में। इस बच्चे का जो है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में हुआ था, इसका अपग्रेड करके जनरल में कर दिया गया। तो जितने जिसका भी हुआ ये, उसकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। आपने सेल्फ फाइनेंस की अगर फ़ीस पे की है तो जनरल में आपकी फ़ीस कम रहती है, तो वो आपको रिफंड फॉर्म फिल करना होगा और उसे एमयू में सबमिट करना होगा, तो आपकी जो भी एक्स्ट्रा फ़ीस होगी वो आपको रिफंड हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर किसी का सेल्फ फाइनेंस से जनरल में होता है तो उसकी भी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। आपको सिंपली रिफंड का फॉर्म एमयू की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे एमयू में सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी वेटिंग इसमें क्लियर हुई है। तो अगर बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की, तो इसमें कोई कैटेगरी रहती नहीं है, सिर्फ आपकी जनरल कैटेगरी है और सेल्फ फाइनेंस की है। तो सेल्फ जनरल की जो आपकी 21 तक वेटिंग क्लियर हो गई है। फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में 18 वेटिंग क्लियर हुई थी, जिसमें आपकी 3 वेटिंग और क्लियर हो गई, 21 वेटिंग क्लियर हो गई है। उसके बाद अगर बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस की, तो 45 वेटिंग तक इसमें क्लियर हो गई है सेल्फ फाइनेंस से। तो जिसने भी सेल्फ फाइनेंस ऑप्शन में टिक किया होगा तो 45 वेटिंग तक क्लियर हो गई है। चांसेस तो नहीं है, क्योंकि एक ही बच्चे का अभी यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस से जनरल में हुआ है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि सेल्फ फाइनेंस से आपका जनरल में हो अपग्रेड। लेकिन अगर होना होगा तो थर्ड फॉर्म लिस्ट में एक बच्चे का हो सकता है और हो जाए। और इसमें कोई कैटेगरी रहती नहीं, ना सीई, ना डीएस, ना पीएच, कोई सी भी नहीं। उसके बाद बीएससी पैरामेडिकल की अगर बात करते हैं तो 144 तो जनरल तक हो गई है आराम से, 190 सेल्फ फाइनेंस तक हो गई है। उसके बाद अगर सीई कैटेगरी, तो 30 वेटिंग जो है फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में क्लियर हुई थी और 34 सेकेंड फॉर्म लिस्ट तक क्लियर हो गई है। डीएस में आपकी 11 वेटिंग क्लियर हुई थी फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में, इसमें 15 वेटिंग सेकेंड फॉर्म लिस्ट तक क्लियर हो गई है। पीएच कैटेगरी में 8 वेटिंग आपकी क्लियर हुई थी और 9 वेटिंग इसमें एक बच्चे का और नाम है सेकेंड फॉर्म लिस्ट में, और कोई सी भी कैटेगरी के क्लियर नहीं हुई है। बाकी सारी जो है वो सीट फुल हो गई हैं, सिर्फ आपकी इसमें जनरल में काफ़ी जो है वेटिंग क्लियर हो गई है। फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में आई थिंक 60 के अराउंड क्लियर हुई थी, यहाँ पे 144 क्लियर हो गई है, और 164 आपकी सेल्फ फाइनेंस में हुई थी और 190 तक इसमें सेल्फ फाइनेंस में क्लियर हो चुकी है। तो जिसने भी सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक चूज़ किया होगा ब्रांच, तो 190 तक क्लियर हो गई है। थर्ड फॉर्म लिस्ट अब बीएससी नर्सिंग के आना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 3 बच्चे हैं जिनकी और वेटिंग क्लियर हुई है, 2 तो पहले वाले थे, 3 वेटिंग और क्लियर हुई है 18 के बाद से। हो सकता है सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पे और बच्चे आएँ, फोर्थ थर्ड लिस्ट आने के चांसेस हैं सेल्फ फाइनेंस में बीएससी नर्सिंग में। इसमें आपके जिसमें सेल्फ फाइनेंस के बच्चे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग में सेल्फ फाइनेंस पे टिक किया होगा, चूज़ किया होगा सेल्फ फाइनेंस के लिए, और आपकी वेटिंग 50 से कम है, तो आप चांसेस हैं कि आपका ये थर्ड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बीएससी पैरामेडिकल की अगर बात करते हैं, तो जनरल में ये हो सकता है 170 तक पहुंच जाए, और आपके सेल्फ फाइनेंस में ये 230-240 तक पहुंच सकता है। तो जैसे ही थर्ड फॉर्म लिस्ट आएगी आपको इसी चैनल पे अपडेट कर देंगे।